मेरा नाम शेखर बापू सरगाड़े, मैं अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट तालुका रावरी और पारगाना दुर्ग गांव का हूँ। मेरे फैमिली में मेरा एक भाई, मम्मी और मैं हूँ, और हम 30 साल से खेती कर रहे हैं। इससे पहले मेरे पिताजी खेती करते थे, 4 साल पहले वो गुजर गए, उसके बाद मैं खुद खेती करता हूँ। मेरे पिताजी पहले पारंपरिक तरीके से खेती करते थे, जिसमें ज़्यादा पानी और ज़्यादा खाद का इस्तेमाल होता था, जिसके कारण थोड़ी सी हमारी ज़मीन की क्वालिटी बिगड़ गई, जिसके बाद मैंने सोचा कि अभी ये हम बंद करेंगे और थोड़े से आधुनिक क्वालिटी की खेती करेंगे, जिसमें खाद और पानी का एकदम संतुलित मात्रा में यूज़ हो। मैं यारा के प्रोडक्ट्स 3 फेजेस में यूज़ किए, जिसमें पहले फेज में यारा मेला कॉम्प्लेक्स, यारा लीवा और DAP 50, 25 और 25 KG के हिसाब से यूज़ किए, जिससे मुझे शूट्स के नंबर ऑफ शूट्स ज़्यादा मिले, जिसके बाद मैंने वापस सेकेंड डोज में 50 किलो यारा मेला कॉम्प्लेक्स, 25 किलो यारा लीवा और 25 किलो यूरिया डाला, जिसके बाद मैंने थर्ड डोज में यारा मेला कॉम्प्लेक्स 50 किलो, 25 किलो यारा लीवा कॉम्प्लेक्स और 2 बैग मतलब 100 किलो DAP डाला। उसके बाद मुझे गन्ने की हरी भरी पत्तियाँ और गन्ने में कोई प्रकार की डिफिशेंसी नहीं दिखी, जिसके बाद मैंने सोचा कि यारा मेला कॉम्प्लेक्स कंटिन्यू करें। गन्ने में जिंक की डिफिशेंसी ज़्यादा मात्रा में देखी जा सकती है, तो जिंक की डिफिशेंसी के लिए मैंने जिंक सल्फेट यूज़ किया, तो कुछ महीने बाद वापस मुझे जिंक की डिफिशेंसी ज़्यादा दिखी, तो मैंने फिर यारा के एग्जीक्यूटिव से कॉन्टैक्ट किया, तो यारा के एग्जीक्यूटिव ने मुझे उनका प्रोडक्ट जिंक ट्रैक के बारे में बताया, तो जिंक ट्रैक मैंने दो बार स्प्रे किया, यूज़ किया, तो उसके बाद मेरी डिफिशेंसी पूरी तरीके से चली गई। पहले मेरे गन्ने की पैदावार 50 टन होती थी, यारा के प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद मेरे गन्ने की पैदावार 70 टन तक गई, और 70 टन जाने के बाद मतलब मेरा 20 टन का गन्ने का मुनाफा हुआ। यारा मेला यूज़ करने के बाद मुझे गन्ने में अच्छी पैदावार मिली, जिसमें वजन, उसकी ऊंचाई और गन्ने का जो नोडल डिस्टेंस है वो भी अच्छा मिला। यारा के एग्जीक्यूटिव हमें एक फ़ोन पर कोई भी प्रॉब्लम रहेगी तो बताते, सॉल्व करते, और वह हर महीने हमारे यहाँ पे प्लॉट पे विजिट करने आते, और वो जो हमको नया नया शेड्यूल पर बताते, अलग अलग फसल को अलग अलग शेड्यूल, गन्ने को 3 डोज का शेड्यूल बताया था, वैसे हमको प्याज का दो डोज का शेड्यूल बताया, जो हमने ठीक से इस्तेमाल किया। अगर हमें अच्छे गन्ने की पैदावार चाहिए तो हमें पहले सॉइल टेस्टिंग करना ज़रूरी है। सॉइल टेस्टिंग करने के बाद हमें हमारे फसल की हेल्थ के बारे में पता चलेगा, और हमें मिट्टी के भी हेल्थ के बारे में पता चलेगा। क्वालिटी का खाद इस्तेमाल करना चाहिए, और अच्छे क्वालिटी का खाद वही है जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपज दे, और मेरे हिसाब से यारा सबसे अच्छा क्वालिटी देता है। यारा मतलब क्वालिटी।